पति पत्नी सोलमेट या सिरदर्द या हमदर्द पार्ट टू। तो देखिए, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कविता गोयल्स वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके सामने आई हूँ कुछ एक अपना सोशल टॉपिक लेकर के, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सिरदर्द, हमदर्द या फल। तो मैं उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि क्योंकि आपको पता ही अभी करवा फूंकी जा चुका है, सबने करवा बहुत अच्छी तरीके से पूजा है और भगवान करे आप इसी तरीके से करवा पूजते रहें। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास जैसे लेडीज आती हैं और वो मेरे को पूछती हैं और वो कहती हैं कि मैम, अगर हम अपने हस्बैंड को कोई बात बताते हैं, परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो हमें यही कहते हैं कि भाई मुझे मत बता, मेरे सर दर्द हो जाता है तेरी आवाज़ सुन के या तेरी प्रॉब्लम सुन करके। ठीक है, तो बीवी की जो प्रॉब्लम सुन करके तो उनके सर दर्द हो जाता है, लेकिन अगर वही प्रॉब्लम कोई बाहर की औरत अगर उनको बताए तो वो देखो कितना सजेशन देना शुरू कर देते हैं, उसके हमदर्द बन जाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। तो ये एडवाइस वो अपनी वाइफ को भी तो दे सकते हैं ना, अपनी वाइफ को क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि वो घर की मुर्गी दाल बराबर है इसलिए। और दूसरी औरत को क्यों नहीं देते? ठीक है, दूसरी औरत को देंगे, बड़ी प्रेफरेंस देंगे, बड़ी उसको एडवाइस देंगे, उसके हमदर्द बनेंगे, फिर वाइफ को आके कहेंगे देखा तुझे मैं कितना अच्छा मिला हुआ हूँ, वो देख बेचारी कितनी दुखी है। ठीक है, अब यहाँ पर इधर जो बीवी है उसकी अंतरात्मा से पूछो ना कि वो कितनी खुश है, वो कितनी दुखी है, उससे पूछो, क्योंकि हर घर की अपनी प्रॉब्लम होती है। ऐसा इस दुनिया में कोई भी घर नहीं है जो सुखी है, जो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी का एक चक्र है, दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख आएगा ही आएगा। ठीक है, और मोस्टली ज़्यादातर जो जेंट्स होते हैं, जो मेल होते हैं, उनको अपनी वाइफ की प्रॉब्लम तो वैसे भी बहुत छोटी लगती है, एज यूजल जैसे आपको पता ही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। उनको बाहर की ही लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती हैं, खास करके औरतों की, और वो अपनी वाइफ को ये कह के टीज करते हैं, तू तो अपने आप को भाग्यशाली समझ कि तुझे मैं मिला हुआ हूँ, नहीं तो उस बिचारी को देख, उसको उसका हस्बैंड कैसे मिला है, काला है, सुंदर नहीं है, शराब पीता है और पता नहीं क्या क्या जिसको कहते हैं ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, दूसरी औरत की परेशानी उसको बहुत लगती है और अपनी बीवी की परेशानी उसको बिल्कुल भी ज़ीरो लगती है, जबकि उसकी परेशानी, उसकी बीवी की परेशानी भी एज यूजल उसकी जितनी ही इक्वल है। अगर उसका हस्बैंड सुंदर है, अगर उसका हस्बैंड स्मार्ट है, उसका दूसरे वाली का हस्बैंड बदसूरत है, तो इसमें फिजिकल वाली तो कोई बात ही नहीं है ना कि भाई सुंदर है तो वो दुखी है, बदसूरत है तो वो दुखी है। ठीक है, अगर वो यही सेम चीज़ अगर अपनी वाइफ के साथ करे, इतने प्यार से, इतने आराम से अपनी वाइफ को उसकी बात सुने और उसको सलाह दे, तो कितना अच्छा हो जाएगा। जो पत्नी है वो अंदर घुट घुट करके जिएगी भी नहीं, वो भी उसको भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई हाँ, मेरे पास मेरा हस्बैंड है जो मेरी सारी बातें सुनता है, मैं ऐसे बोलूँगी तो ऐसे सॉल्व कर देगा वो मेरी प्रॉब्लम को। तो जितनी भी जो करवा में जो औरतें आती हैं और जो थालियाँ फेरती हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें से 85% औरतें रो रही होती हैं। और ये आपको खुद को अच्छी तरीके से पता है कि आप किस तरीके से उससे गिफ्ट मांगते हैं अपने हस्बैंड से, आपको ये अच्छी तरह से पता है। आप एक पहले से डिमांड रख देते हो कि भाई हमें तो ये चाहिए इस बार, हमें तो ये चाहिए इस बार, कोई खुशी होकर नहीं दिलाता, आप ज़बरदस्ती लेते हो। ये पता है ना, आपको ये पता है, सबको पता है, जग जाहिर है ये, कि कोई भी हस्बैंड खुश होकर नहीं दिलाता सामान पत्नी को। भाई मैं भी तो पत्नी हूँ, मुझे पता है ना। तो हम पहले से डिमांड रख देते हैं कि हमें तो इस बार ये चाहिए, हमें तो इस बार ये चाहिए। तो ये सबका ही हाल है, ऐसा नहीं है। और अगर कोई दिला देता है तो वेल एंड गुड, नहीं दिलाता तो बेचारी अपना मन सा लेके रह जाती हैं। अगर कोई दिला देता है हस्बैंड तो वो बाहर जाके शीखी बघाड़ती हैं कि देखो मेरे हस्बैंड ने ये दिलाया इस बार मुझे, देखो मेरे हस्बैंड ने वो दिलाया, देखो मेरे हस्बैंड ने सोफ़ा दिलाया, देखो मेरे हस्बैंड ने फ्रिज दिलाया, देखो मेरे हस्बैंड ने वॉशिंग मशीन दिलाई। कहने का मतलब ये है कि शो ऑफ करती रहती है। मैं बोलती हूँ तुम शो ऑफ क्यों कर रही हो? जो तुम्हारी जेन्युइन प्रॉब्लम है तुम उसको डिस्कस करो, उसको करो, उससे बात करो, अपने हस्बैंड को बोलो कि भाई मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो, रादर देन ये सब चीज़ें देने से। ठीक है, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला, भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक वर्ड से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम ये लेकर के सिर्फ ये दिखाना चाहती हो कि मैं अपनी फ्रेंड को क्या जवाब दूंगी कि मेरे हस्बैंड ने क्या दिया, वो तो देखो उसको ये दे रहा है, वो दे रहा है, तो उसको भी वो ऐसे ही देता होगा जैसा तुम्हें दिया है, रो रो करके, या चलो कभी कभी खुश होकर के भी दे देते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है। और जो तुम डिमांड रखती हो आगे ना कि भाई करवा आ रहे तो मुझे ये चाहिए, हो या एक मुझे ये चाहिए, मत मांगो ऐसे, वो अपना खुश होकर देंगे, तुम नहीं मांगोगे तो खुश होकर देंगे। जो मेरी बात थी कि भाई जो औरतों को परेशानी होती है वो अपने हस्बैंड से बात करती हैं तो वो सिर दर्द समझते हैं,
तो ऐसे ही मेरे पास जब एक लेडी आई, उससे मैंने बात की तो उसने अपनी ये प्रॉब्लम मुझे बताई, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो उसी से रिलेटेड मुझे इंस्टा पे सेम वही चीज़ मुझे मिल गई, तो मैंने अपने ग्रुप में डाल दी, और ग्रुप में डालने के बाद किसी ने मुझे कमेंट किया फनी। तो पहले तो मैंने सोचा व्हाट्स फनी इन दिस, क्या है फनी में, इसमें फ़नी क्या है, क्योंकि जो एक औरत है वो दुखी है, वो अपने हस्बैंड को अपनी प्रॉब्लम बताना चाह रही है, और वो बेचार वो उसकी प्रॉब्लम ना सुन करके उसको इग्नोर कर रहा है और कह रहा है ओह सर दर्द हो रहा है, और दूसरी लेडी की वो जाके प्रॉब्लम सुन रहा है और उसको हमदर्दी दिखा रहा है और उसको अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस बता रहा है। तो व्हाट इज़ फनी इन दिस, तो मुझे समझ नहीं आया। बट एज आई एम एडवोकेट, तो मुझे दो तरीके से सोचना होता है, एक इस लड़की के वे में और एक लड़के के वे में। तो पहले तो मैंने लड़के के वे में सोचा, फिर उसके बाद मैंने लड़की के वे में सोचा कि भाई नहीं, ये फन ही है। क्यों? अगर वो हमदर्द ढूंढ लेता है, जैसे वो दूसरी लेडी है, उसने भी तो उसका हस्बैंड ढूंढ लिया ना अपनी प्रॉब्लम रखने के लिए और अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, और उसका हमदर्द बन गया। तो जो ये लेडी है ये क्यों नहीं ढूंढ लेती अपना हमदर्द, ये भी ढूंढ ले। अगर तुम्हारा हस्बैंड नहीं तुम्हारी बात सुन रहा तो तुम किसी दूसरे का हस्बैंड ढूंढ लो, उसी का ही हस्बैंड ढूंढ लो अपनी बात बताने के लिए, तो तुम्हें भी हमदर्द मिल जाएगा। क्योंकि मोस्टली यही होता है, हस्बैंड जो होते हैं वो वाइफ की बात नहीं सुनते, और दूसरी जो लेडीज़ होती हैं उनकी प्रॉब्लम बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से और बड़े इत्मीनान से सुनते हैं, और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि भाई हाँ मैं तेरा सब कुछ हूँ, मैं तेरा वेलविशर हूँ, जो भी कुछ हो मैं तेरा हमदर्द हूँ। तो जैसी लेडीज़ होती हैं, वैसे मुझे पता है भारतीय सभ्यता है, मैं भी एक भारतीय नारी हूँ, मैं कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊँगी कि अगर मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुन रहे, सिरदर्द समझ रहे हैं तो मेरे को अच्छी राय नहीं दे रहे और मेरे को कह रहे कि भाई सिरदर्द हो रहा है तो मैं दूसरा ढूंढ लूँ। एज ए फनी वे, इन अ फनी वे, मैंने बोला ना किसी का कमेंट आया फनी, तो इन अ फनी वे मैं सिर्फ यही एडवाइस दूंगी कि तुम भी हमदर्द ढूंढो। तो गाइस ऐसी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है ज़िंदगी में, आती रहती हैं जाती रहती हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ चुटपुट होता रहता है, कभी प्यार होता है, कभी तकरार होती है, कभी झगड़े होते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ तो हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, तो उनके बीच में कभी कोई नहीं आ सकता, कोई औरत नहीं आ सकती, कोई आदमी नहीं आ सकता। अगर आते हैं फॉर द टाइमिंग आते चले जाते हैं, लेकिन जो एक हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, वो मरते दम तक नहीं छूटता। मरते दम तक कब छूटता है? जब उसमें से कोई एक साथ छोड़ देता है, जब भगवान जी का बुलावा आ जाता है, नहीं तो वो मरते दम तक रहता है। और कईयों का रिश्ता तो इतना स्ट्रांग होता है कि वो मरते दम तक भी नहीं पीछा छोड़ते। वो कहते हैं कि अगर वो उनमें से कोई अगर एक पार्टनर मर जाता है, अगर एक पार्टनर स्वर्गवासी हो जाता है, तो दूसरा पार्टनर उसके अंदर इतना अथाह प्रेम होता है उसके लिए कि वो वहाँ तक भी उसका पीछा करती है कि भाई आप कहाँ हो, कहाँ गए हो आप, वो ढूंढने की कोशिश करती है। तो फिर वो भागवत वगैरह पढ़ती है, गीता पढ़ती है, लोगों से मिलती है, और फिर पूछती है कि भाई जो एक मरा हुआ इंसान है वो कहाँ जाता है। सेम ऐसी पति का होता है, उसको पत्नी से इतना प्यार होता है, वो भी ढूंढने की कोशिश करता है कि भाई मेरी पत्नी कहाँ गई होगी, मेरे को छोड़ के इस युग में तो थी मेरे साथ, लेकिन अब वो किस युग में गई होगी, कहाँ गई होगी, कौन से लोक में गई होगी, तो वो भी ढूंढने की कोशिश करता है। तो इसको कहते हैं सोलमेट। तो मैं लेडीज़ को यही सलाह दूंगी कि जो छोटी मोटी हैं झगड़े झुगड़े जो भी कुछ होते रहते हैं उनको इग्नोर करो, प्यार से रहो और अपने पति के अंदर ही, अपनी पति पत्नी के अंदर ही संतुष्ट रहो। इधर उधर ना देखो, ताका झकी ना करो, हमदर्द अपनी पत्नी के दूसरी औरत के बन रहे हो तो अपनी पत्नी के भी हमदर्द बनो। और ऐसे ही मैं लेडीज़ को बोलती हूँ कि भाई इधर उधर हमदर्द ढूंढने से बेटर है तुम अपने पति से ही डिस्कस करो और उसी को ही अपना हमदर्द बनाओ। तो मेरा जो टॉपिक है वो यहीं तक ही है, और मिलती हूँ अगले टॉपिक में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स आती रहती है, ऐसा नहीं है कि लेडीज़ की प्रॉब्लम है, ये जेंट्स की भी प्रॉब्लम है। कोई भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका सलूशन निकालने की कोशिश करूँगी और आपको अच्छे से अच्छी तरीके से एडवाइस देने की कोशिश करूँगी, रादर देन आप बाहर जाकर के डिस्कस करो और थोड़ी जगह साई ना हो इसलिए। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है पति पत्नी से रिलेटेड तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी केस लेती हूँ, मैं मैट्रिमोनियल वाले केस लेती हूँ। तो इस टॉपिक के साथ ही यहीं तक एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले टॉपिक में। तब तक के लिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, टॉपिक में नहीं अगले वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आपने बहुत प्यार से करवा बनाया होगा, आपने बहुत प्यार से होई बनाई होगी। तो अब आ रहे त्यौहार जो हमारा मेन त्यौहार है, दीपावली, धनतेरस और दीपावली। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं,
धनतेरस की और दिवाली की और भाई दूज की भी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बाय एंड टेक केयर।